ब्रेक तो बात करना सिलसिला एक बार फिर तो जारी है। पंजाब दे विच बेअदबी दीआं घटनावां नहीं रुक रही ते हुण भोगपुर दे गुरुद्वारा साहब दे विच बेअदबी दी कोशिश हुई है। लगातार सूबे दे विच हालात खराब करन दीआं इह कोशिशां जारी ने ते बेअदबी दीआं घटनावां नूं अंजाम देण दीआं कोशिशां हो रहीआं ने। दस दईए कि हुण इह कोशिश हुई है भोगपुर दे गुरुद्वारा साहब विच जिथे कि बेअदबी दी कोशिश कीती गई। एक नौजवान ने पावन सरूप तों रुमाला साहब खिंच के जमीन ते सुट्टिआ। संगत ने इस मौके ते नौजवान नूं काबू कर लिआ ते पुलिस नूं सौंपिआ। घटना नूं लै के संगत च बेहद रोस पाया जा रहा। दस दईए कि भोगपुर के गुरुद्वारा साहब दे विच घटना वापरी है जिथे कि बेअदबी की कोशिश इस नौजवान वालों की गई। भारी रोस संगत दे विच पाया जा रहा। हुसन लाल साडे नाल जुड़ चुके ने। हुसन, की कुछ जानकारी है इस शख्स बारे जिस वालों बेअदबी की घटना नूं अंजाम देने की कोशिश की गई? जी राधा, मैं दसना चाहवांगा कि यह मॉर्निंग 5:30 की गल हैगी है, जो एक गुरुद्वारा साहब जी है भोगपुर जीटी रोड हाईवे के उपर जो स्थित है गुरुद्वारा साहब, जिथे एक अणपछाते जोड़े है जिसकी जिसका कोई कोई शहर का ना तालुकात नहीं है, वो एक शख्स अंदर आता है जिसने रुमाला साहब को जोर के नाल जिहड़ा है खिंच के थले छड्ड दिता और जिसके नाल जिहड़ा है उत्थे मौके से जिहड़ी संगत सी उन्होंने इसको काबू किया है। और बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के सामने पुलिस स्टेशन है जिथे इतला करन तो बाद इसको जिहड़ा है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पर इस समय संगत में भारी रोस पाया जा रहा है, हालांकि इस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हो पाई क्योंकि दसया जा रहा है कि इसके जी जो मत बुद्धि मनिया जा सकता इसको क्योंकि इसके सिर के भी काफी सट्टा लगे हुई है, पर हालात तक इसकी कोई पहचान नहीं की गई। जी तो क्या हूँ इसको पुलिस के हवाले किया गया? जी बिल्कुल, इसमें पुलिस ने मौके से सवेरे जो है काबू कर लिया। संगत ने जो दसिया पुलिस ने सलाह की उस टाइम पुलिस ने इसको काबू कर लिया, हूँ इसका मेडिकल वास्ते इसको भेज दिया गया है। और अगली जो भी है कि जिस तरीके पुलिस अधिकारियों ने साड़ी गलबात हुई है कि दसिया जा रहा है कि जिदा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो भी अभियान देगी उस आधार से कार्रवाई जी है उलीकी जाएगी। जी बिल्कुल। और अजय विचकार, इस तो पहला भी सूबे दे विच वक्त-वक्त थावां ते जिहियां घटनावां नूं अंजाम देने की कोशिश जरूर की गई, किते ना किते माहौल नूं खराब करने की कोशिश। क्या इस शख्स के कोई परिवारिक मैंबरां दी नाल कोई जान पहचान या कोई गलबात की गल सामने आई है? जी राधा, मैं दसना चाहवांगी जिवें 15 अगस्त नेड़े आ रहे हैं जिथे पूरे पंजाब विच हाईलाइट किया होया है, सो किते ना किते जिहियां घटनावां जिवें कि पंजाब का माहौल खराब करने हो सकदियां ने, पर इसके शख्स से जिहड़ा है अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि इसका कोई पंजाब के किसी जिले के नाल संबंधित है, क्योंकि ये देखा जाए तो एक पंजाबी नहीं लगता है और इसके शरीर के उपर जिहड़ा है सट्टा लगिया। और इस तो बाद जिहड़ा है ये कोई भी जिहड़ा है बोल नहीं रहा है, मतलब कह सकते हैं कि मतलब मत बुद्धि अपने आप दस रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी। सो फिलहाल जांच जरूर की जा रही है, मन बुद्धि यह शख्स दसा जा रहा है, लेकिन आखिर अजे शख्स क्यों इतने इस तरह की घटना अंजाम देने की कोशिश करते हैं यह हुण पता जरूर लगाया जा रहा है।